छात्र राजद जहानाबाद के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में जल जमाव एवं सड़क पुल पुलियों के जर्जर स्थिति को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के विरोध में शहर के एनएच 83 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने मौजूद जल जमाव में धान रोपनी का कार्यक्रम छात्र राजद जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया। इस विरोध कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए शैलेश कुमार ने कहा कि प्रदेश एवं शहर में सड़कों की स्थिति काफी नारकीय एवं गड्ढों से भरी हुई है, जिसके कारण आए दिन घटना दुर्घटना होती रहती है और केंद्र एवं राज्य के जुमलेबाज सरकार, जिन्होंने सरकार में आने से पहले ये वादा किया था कि हमारे आने के बाद विकास की गंगा बहेगी, वे सभी मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा राजद नेता पिंटू कुमार उर्फ छोटू यादव, संजय यादव, सिंटू बाबा, ब्रजेश राज, दलित नेता गोपाल पासवान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज छात्र राजद जहानाबाद के तमाम क्रांतिकारी सादर हैं। जहानाबाद के NH 83 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मेन ब्रांच है, उसके सामने जो जल जमाव है और पूरे शहर में इसी तरह की स्थिति और इससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति जो बनी हुई है और रोड पर जो गड्ढा हो गया, उससे आए दिन दुर्घटना हो रहा है शहर में, उसी के विरोध में आज नीतीश और सुशील मोदी जी को, सरकार को आँख खुलाने के लिए और जो नींद से जागे हैं उसी को खुलाने के लिए विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर धान रोपने का रोड पर NH 83 पर, इसलिए कि इतना ज़्यादा जल जमाव है कि आप धान रोपने का काम किया और धान रोप करके ये एक तरह से व्यंग्यात्मक विरोध किया है कि आपकी जो सरकार, जो जुमलेबाजी की सरकार है और नैतिकता की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार जो साठ काटकर के RSS से जो सरकार बनाए हुए हैं पलटू राम जी, उनके सरकार में रोड पर जल जमाव की स्थिति है और नल जल योजना ये चला रहे हैं और नली गली का तो पूरा स्वस्थ है, उसी के विरोध में ये दिखाने का प्रयास किया है कि आप पूरी तरह से विफल। ये जल जमाव बरसों से है, लगभग साल भर से इसी तरह का जल जमाव लगा हुआ रहता है। थोड़ा सा बारिश होता है उसमें पूरा तरह से जल जमाव हो जाता है और यहाँ पर नली बनाया गया है, यहीं तक नली बनाया गया, आगे कोई नली को ले जाया कि नहीं जाए, इसमें करोड़ों रुपये का खर्च हुआ है, जनता की गाड़ी कमाई को खर्च किया गया है, उसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है, उसी के विरोध में आज हम लोगों ने आज यहाँ पर धान रोपने का काम किया और साथ ही साथ ये भी संकेत दिया है कि ये जो NH 83 पर दलदा पुल है वो भी पूरी तरह से जर्जर है, उस पर भी ध्यान जिला प्रशासन का है न शासन का, उस और भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज ये विरोध प्रदर्शन किया है।